वासियों को 75वें 15वें दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी नीमच वासियों को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव और 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये दिन है जिस दिन हम लोग अपने सभी अमर शहीदों को याद करते हैं और प्रण लेते हैं कि अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को आगे से आगे ले जाएं। और यही मैं कामना करूँगा कि सभी अच्छे से खुशी से 15 अगस्त मनाएं, अपने हर घर में तिरंगा लहराया जाए और हम लोग नीमच को और पूरे देश को आगे ले जाएं। मैं पूरे जिलेवासी, प्रदेशवासी, पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अमृत महोत्सव पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। देश में एक देव पुरुष मान्यवर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 75 वर्ष पूरे होने पर घर घर झंडा फहराने का एक संदेश दिया है और आज घर घर तिरंगा झंडा फहर रहा है। हम सब जानते हैं पहले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, केवल बच्चों के त्यौहार रह गए थे। आज हम घर घर झंडा फहरा रहे हैं और राष्ट्र भावना पूरे देश में जागृत हुई है। और मैं उन सभी शहीदों को भी नमन करता हूं जिनने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। हम चाहते हैं कि यह देश में राष्ट्र भावना का एक ज्वार जो आया है वो बरकरार बना रहे और देश दिन दुनी राज चौगनी तरक्की करता हुआ बढ़े। मैं पुनः सबको, देशवासियों को, भाइयों को, बहनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं नीमच के सारे जिलेवासियों को, समस्त नीमच वासियों को, जो हमारा 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है हमें, ये 90 सालों की लड़ाई चली, 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। तो ये जो बलिदान लोगों ने हमारे लिए दिया है वो व्यर्थ ना जाए, देश आगे बढ़ता रहे। हम सब इस देश का, देश की अस्मिता का ध्यान रखें, ये सबसे मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। हम स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है और चुनौती का भी विषय है। हम राष्ट्र को एक मजबूत स्थिति में यहाँ तक लेके आए हैं और आगे और उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए हम सबके कर्तव्य निष्ठा की ज़रूरत है, सबको एक साथ हाथ थाम कर चलने की ज़रूरत है। और आइए हम अमृत महोत्सव के इस पावन बेला में एक साथ राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हों। मेरी तरफ से नीमच जिले वासियों को एवं मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिवस है, इसको गौरव के साथ मनाएं। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो तिरंगे को यथा अपने घर में तिरंगा लगाना सुनिश्चित करें और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की, सबकी जिम्मेदारी लें। और इसको भी एक, जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी तरह से इसको भी एक फेस्टिवल की तरह से लें। मेरी पद स्थापना जावद में है और इस हिसाब से मैं समस्त जावद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज़ादी का 75वां वर्ष ये इस बार मनाया जा रहा है, तो मैं सभी नीमच के शहरवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस संबंध में सभी तहसीलवासी, जिलेवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। नीमच जिले के सभी नगरवासियों और पूरे जिले के वासियों को मेरी ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो भारत पूरी दुनिया भर का नेतृत्व कर रहा है, बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत का के मूल में जो ताकत है वो है भारतवासियों की एकता की ताकत। और यो एकता की ताकत निश्चित रूप से आज 75वें अमृत महोत्सव पर एक नई दिशा देगी और वो नई दिशा होगी अखंड भारत का जो संकल्प है वो पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेगा। जो भारत सोने की चिड़िया और जो सपना बरसों से भारत राष्ट्र भक्तों का था, जो अमर शहीदों का था कि पुनः भारत सोने की चिड़िया बने, वो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। आज 75वें अमृत महोत्सव के पूरे जिले वासियों को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। एक साथ चलें, एक साथ बढ़ें,
भारत इस दुनिया का नेतृत्व करे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और हम कांग्रेस जनों ने मिलकर आज रैली निकाली और हम देश के नागरिकों के लिए शुभकामना संदेश देते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं पूरे जिले वासियों को स्वतंत्रता के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर रक्षा करें। आज का दिन पूरे देश में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज के दिन ही भारत देश आज़ाद हुआ था और पूरे देश में एक वातावरण आज़ादी को लेकर जो उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, ये सब समाज, सब धार्मिक प्रवृत्ति के, सामाजिक और एक धर्मनिरपेक्षता के एक संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। जो सभी जाति धर्म जिस के कारण पूरे देश में आज़ादी मिली थी, वही धर्मनिरपेक्षता और वही सद्भावना की भावना को लेकर आज पूरे देश में एक अच्छा वातावरण है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें सभी इस कार्यक्रम को ऐसे बना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस को जैसे एक बहुत बड़ा त्यौहार हम मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना लड़ाई लड़ी है, जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, मैं उनको भी नमन करता हूं और सभी से ये अनुरोध करता हूं कि सभी मिलकर इस त्यौहार को, इस स्वतंत्रता दिवस को हंसी खुशी के साथ मनाएं। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नाम? मुकेश कलरा, कार्यवाहक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नीमच।